नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लगभग 20 महीने पहले की बात है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक आदर्श गांव चुनकर उसका विकास करने के लिए कहा था। लेकिन 20 महीने बाद सर्वे के अलावा कुछ हुआ नहीं है यूपी और उत्तराखंड के अधिकतर गांवों में। क्या है आदर्श ग्राम योजना की सच्चाई, कैसा है आदर्श गांवों का हाल? बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे सवाल हमने भी उठाए हैं। एक सांसद जब अपने इलाके के छोटे से हिस्से का ख्याल न रख पाए तो फिर उम्मीदों को जोर का झटका लगता है, वो भी जोर से। तस्वीरें बहुत सारी हैं जिनको सिर्फ हमने जुबा दी है, उनको देखेंगे तो दर्द आपको भी होगा, सोचने पर आप भी मजबूर होंगे कि ये कैसा आदर्श गांव है। आज फिर हम आपको सबसे पहले तीन तस्वीरें दिखाएंगे, आदर्श ग्राम की हकीकत से रूबरू कराएंगे। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गंदगी देख सकते हैं आप तीनों में, सुविधाओं का अभाव देख सकते हैं। वादे इन तीनों गांवों में भी किए गए थे, साफ है सांसद वादे भी करते हैं और दावे भी करते हैं, लेकिन असल में होता क्या है उन बातों को विस्तार से समझाएंगे हमारी रिपोर्ट्स में। लेकिन फिलहाल अंदाज़ा लगाने के लिए ये तीन तस्वीरें आप के सामने हैं। इलाहाबाद, आगरा और जौनपुर की ये तस्वीरें। सांसदों ने गोद लिया, लेकिन सुध कौन लेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। गोद तो ले लिया गया, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, वादे अधूरे ही रह गए। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गांवों को गोद लेकर उनमें विकास की गंगा बहाने की पीएम नरेंद्र मोदी की नसीहत को उनके अपने ही पार्टी के सांसद हवा हवाई साबित करने पर तुले हुए हैं। इसकी बानगी कभी पंडित नेहरू का चुनाव क्षेत्र रही इलाहाबाद के फूलपुर गांव में देखने को मिलती है। बीजेपी सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने जैतवार डी के 2 साल पहले गोद लिया, लेकिन आज तक यहाँ विकास का पहिया हिला तक नहीं। जैतवाडीह गांव के लोग 2 साल पहले उस वक्त बेहद खुश थे जब उनके गांव फूलपुर को सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने गोद लेते हुए इसे आदर्श गांव बनाने का सपना दिखाया था। गांव में केशव प्रसाद मौर्य ने कई बैनर भी लगाए, जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर, हर कदम विकास की ओर। ऐसे कई स्लोगन आपको इस गांव की दीवार पर चस्पा मिल जाएंगे। लेकिन 2 साल होने को है और सांसद द्वारा गोद लिए गए इस गांव में विकास का एक भी काम शुरू तक नहीं हो सका है। सांसद केशव प्रसाद मौर्य इस गांव में जाने के लिए अब तक सिर्फ 1 दिन का ही वक्त निकाल सके हैं। ऐसे में विकास की आस जैतवाडीह में धूमिल नजर आ रही है। सांसद जी ने जब ये गांव गोद लिया, बहुत बड़ी सभा गाँव वालों ने बुलाया, जिले के हर एक विभाग के अधिकारी आए, ऐसा लगा कि गांव हमारा बहुत उन्नत की ओर जाएगा। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा आभास हो रहा है कि गांव उन्नत की जगह अवनति की ओर बराबर बढ़ रहा है। सारी सुविधाएं जो दूसरे क्षेत्र माध्यम से मिल भी जाती, वो आदर्श गांव के नाते सब कटी जा रही हैं। सांसद जी दोबारा कभी लौट कर गांव को देखे नहीं। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं विकास किया, कभी देखने तक नहीं आए। इनके जो प्रतिनिधि हैं एक दो, उन्हीं को यही सोलर लाइट वगैरह दे दिए, बाकी गांव में देखने नहीं आए। क्या हो रहा है, इनसे नहीं मतलब है। किसी भी आदर्श गांव की बुनियादी शर्त है कि वहां अच्छी सड़क हो, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, गांव में बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र हो, गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, गांव में डाकघर हो, वित्तीय लेन देन के लिए बैंक हो, इसके साथ ही देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था हो। लेकिन हैरानी की बात है कि सांसद केशव प्रसाद मौर्य के गोद लिए गांव जैतवाडीह इन सभी बुनियादी सुविधाओं से अभी कोसों दूर है।
खस्ता हाल सड़कें। जैतवाडीह में सड़क का हाल ऐसा है कि यकीन नहीं होता कि करीब दो साल पहले इसे आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया गया हो। गांव की सारी सड़कें बदहाल हैं, गांव की गलियां कच्ची हैं। सालों पहले बनी इन खड़ंजा सड़कों को भी अब मरम्मत की जरूरत है। खड़ंजा सड़क के बीचों बीच नाली बनी है, वहीं इस सड़क को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये सड़क है या तालाब। थोड़ी सी बारिश और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़क तालाब बनी पड़ी है। करीब महीने भर से गांव के आधे रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। घुटने तक जमे गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर गांव वाले रोजाना किसी न किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं। समस्या ही एक दिन हम साइकिल से आ रहे थे, अचानक सारिस में टूट जो फेंका गया हो और उसके बाद हम गिर गए, सिर्फ हमारे चोट भी लग गई है। अगर सांसद जी अगर इस गाँव को नहीं करा पाए तो प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने। बांस के खम्बे के भरोसे बिजली, गांव में बिजली के खंबे नहीं लगे हैं। ऐसे में गांव के लोग बांस के सहारे बिजली के तार लगाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। हालांकि बिजली यहां नाम मात्र के लिए ही आती है। गांव में स्कूल नहीं। जैतवाडीह गांव में विकास की रफ्तार इस कदर धीमी है कि आज तक यहां स्कूल नहीं खुल सका है। पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे गाँव जाना पड़ता है। आने जाने में मुश्किलें इतनी कि ज्यादातर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब गांव वाले हैरान हैं कि जब सभी सांसदों को एक ही तरह का विकास फंड मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयपुर में तो विकास हो जाता है, लेकिन जैतवाडीह गांव में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता। अगर सांसद निधि से कोई काम हो रहा है, देश के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं सबके लिए एक फंड आता होगा, चाहे जयपुर हो, मोदी जी जहां प्रधानमंत्री जी लिए हैं गोद, और चाहे जैतवाडीह हो, अगर फंड एक आ रहा है, सेम फंड आ रहा है, तो हम आप लोगों के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सुने हैं कि देखे भी हैं कि वहाँ जयपुर में बहुत कुछ विकास हुआ आप लोगों के माध्यम से, लेकिन ये जैतवाडीह में कुछ विकास नहीं हुआ, इसको लेके हमें विडंबना के शिकार हो रहे हैं कि ये क्यों आखिर हमारे गांव से और जयपुर से में इतनी भिन्नता क्यों है। किसी इंसानी बस्ती के आबाद रहने के लिए जरूरी है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं हों, लेकिन जैतवाडीह गांव इस बुनियादी सुविधा से भी महरूम है। गांव में किसी की तबीयत बिगड़ी तो जान पर बनाती है। ना सड़क बनाने को कोई सुविधा बनाया, ना नाली बनाया, ना स्कूल बनाया, ना कोई दवाई कहाँ यहाँ सुविधा। इलाहाबाद जाते हैं हम लोग दवा खाने के लिए, यही सब सुविधा है। गांव में शौचालय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का जैतवाडीह गांव में कोई नाम लेता तक नजर नहीं आ रहा। गांव में सांसद निधि से कोई शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। आज भी यहाँ के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। गांव वालों की माने तो सांसद द्वारा गोद लिए जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। यह समस्या है, न लैटरिन है, न बाथरूम है, न रोड है, न नाली है, कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, न हॉस्पिटल है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ। आलम यह है कि गांव वालों का दर्द ना तो सांसद सुनने को तैयार है और ना ही सरकार। मदद की गुहार लगाकर थक चुके हैं यहाँ के लोग। दिक्कत का मतलब हमने केशव प्रसाद जी से मिलने गया, सांसद जी से, उनसे मिला, फिर उनसे कहा कि हम आपने हमारा गांव आदर्श गांव गोद लिए हैं, नेताजी हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो नेताजी ने कहा कि ठीक है, बाद में आइएगा तो मिलेंगे तो बात करेंगे। तब से नेताजी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तब प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो मुलाकात नहीं, कई बार गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई उनसे। अब तो गाँव वालों का कहना है कि सांसद जैतवाडीह गाँव को गोद नहीं लेते तो अच्छा होता, शायद लोहिया ग्राम योजना सरीखी दूसरी योजनाओं से ही गांव का विकास हो जाता। गांव वालों की नाराजगी इस कदर है कि वो सांसद से गांव को वापस करने की मांग कर रहे हैं। परेशानी जब से केशव प्रसाद गांव गोद लिए आज तलुक तो सकल नहीं दिखाए, पहला काम तो ये। दूसरा काम, बल्कि गांव गोद नहीं लिए थे, प्रधान या लोहिया ग्राम सभा अगली बगली गाँव हो गए हैं, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जैतवाडीह एकदम नाश कर दिए। कितना विकास किए हैं पूरे गांव में टहल के देख लीजिए, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं। आदमी पानी भरे तरस रहे, बम्बा भी नहीं मिल रहा है, एक टूनल कूप नहीं मिला, नाली भरे पानी हाथे से बल्टी बल्टी फेंका था, ये सामने सीन लीजिए, बल्टी बल्टी पानी फेंक रहे। केशव प्रसाद अपना गांव वापस लीजिए, गोद वापस ले, हम लोग को लोहिया ग्राम सभा चाहिए। जैतवाडीह की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो इसे सांसद महोदय ने अपनी खुशी से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दबाव में गोद लिया है, वरना कोई भी अपनों को इस तरह अनाथ तो नहीं छोड़ता। अमित कुमार श्रीवास्तव, फूलपुर, नेशनल वॉइस।
केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जब उनके गांव का ये हाल है तो बाकी गांवों का क्या हाल होगा? तस्वीरें और भी हैं, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश, सांसद ने गोद लिया सूद कौन लेगा में, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लिए गांव जयापुरा का विकास करा दिया हो, लेकिन उनके सांसद द्वारा गोद लिए गांव अभी भी विकास की राह देख रहे हैं। जौनपुर के बीजेपी सांसद केपी सिंह ने जब आदर्श ग्राम के लिए बुद्धपुर ग्राम सभा को गोद लिया तो वहां के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी गांव में अब तक विकास का कोई काम नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में गोद लिए हुए गांवों का हाल जानने के लिए अब हम जौनपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर सुइथा कला विकास खंड के बुधुपुर गांव पहुंच चुके हैं। इस गांव को दो साल पहले भाजपा सांसद कृष्ण प्रताप सिंह ने आदर्श गांव के लिए गोद लिया था। गांव के गोद लिए जाने के बाद गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। कारण यह था कि लोगों ने टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव में विकास के कार्यों के बारे में सुना था और देखा भी था। गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान हर किसी में खुशियां थी कि अब गांव में स्कूल होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, बिजली की समस्या दूर होगी, पक्की सड़कें आएंगी, शौचालय होंगे, स्वच्छता होगी, जिस वजह से गांव में बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। लेकिन लोगों के ये तमाम सपने थरे के थरे रह गए। गांव में आज तक सही तरीके से बिजली नहीं पहुंच सकी है, ना ही पानी की निकासी के लिए नाली है, ना ही आवास और ना ही रास्तों को जोड़ती पक्की सड़कें। ऐसे में कैसे जी रहे हैं यहाँ के लोग, सुनिए जरा। सबसे बड़ा कष्ट तो इस रोड का है, आम पब्लिक को मतलब रास्ता नहीं है, बरसात हो जाता है एकदम पूरा कीचड़ से भर जाता है, बहुत मजबूरी हो जाता है आदमी इधर इधर उधर किधर से जाए। दूसरा ये एक नाला सफा नहीं हो रहा है, नाला बना है लेकिन आज 5-6 साल से बंद है, और बहुत सी समस्या है, लाइट का समस्या है। गांव के बुजुर्गों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने सांसदों से गांव का विकास करने को कह रहे हों, लेकिन उनके सांसद गांव में पहुंचना भी उचित नहीं समझते। गांव के लोग तो आदर्श गांव के लिए गोद लिए जाने पर जितने खुश थे उससे कहीं ज्यादा दुखी अब हैं, जब उन्हें पता चल चुका है कि उनके साथ झूठे वादे किए गए, उन्हें झूठे सपने दिखाए गए और आगे भी भविष्य में कुछ उजला सा नजर नहीं आता। हमारे गांव में सांसद दो बार आ चुका है और कोई काम नहीं हुआ है, और ये नाला साफ नहीं हुआ 5-6-7 साल से, और ये सड़क पर पानी बटर जाता है, हम लोग के आने जाने में परेशानी होता है, और स्कूल नहीं है, हम लोग 15 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। गांव की महिलाएं हों या जवान, सबका यही कहना है कि गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, न पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल बना, न ही इलाज के लिए अस्पताल, और तो और दो साल में महज 2 या 3 बार सांसद गांव में आए, और गांव में आकर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि ये है आदर्श गांव की पहली झांकी। हाँ, सांसद जी ने गोद लिया था 2 साल पहले और अभी तक यहाँ पे बूढ़ोपुर गांव में कुछ भी नहीं हुआ है, और रोड तक नहीं बना हुआ है, रोड तक थोड़ा दूर तक खराब है, और यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए जब सांसद महोदय ने गोद लिया था तो फिर गांव से बाहर कमाने के लिए विदेशों में रहने वाले ग्रामीणों के अंदर भी खुशियां छा गई थी। सबने यही सोचा था कि उनका गांव जिले में एक आदर्श गांव के तौर पर उभरेगा, एक आदर्श गांव के निवासियों के तौर पर वो लोग जाने जाएंगे, लेकिन सबका सपना अब तक अधूरा है और आगे भी कोई आस नहीं दिखती जिससे ये कहा जाए कि ये गांव आगे चलकर ही सही लेकिन आदर्श गांव जरूर बनेगा। हमारे गांव के जो है
अधिकारी और कर्मचारी या विधायक संसद लोग आए, तमाम लोग आकर देखे और यहाँ की व्यवस्था स्थिति जो है बहुत ख़राब था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको गोद लिया जाए और पूरी जनता, पूरी अमाम यहाँ से लेकर मतलब बम्बई, सऊदी, दुबई जो भी यहाँ के लोग थे, आर पड़ोस के लोग सभी खुश हो गए। और गोद लेने के बाद कर्मचारी आके रोड चकरोट घर द्वार देखने के बाद, नाप के जाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि ताकि हम लोग को संतुष्टि हो। ग्राम प्रधान ने बताया कि विकास के नाम पर अब तक सिर्फ 8 हैंडपंप और 9 सोलर लाइट ही मिली है और शौचालय के निर्माण की बात भी की जा रही है, लेकिन सिर्फ अभी बात ही की जा रही है। इसके अलावा अब तक विकास के नाम पर कोई और सुविधा गाँव में आपको देखने को नहीं मिलेगी। समस्या तो भाई गांव में बहुत कुछ समस्या है, ना तो सड़क है, ना रोड है, ना नाली, नाली इतना ज़्यादा जाम है कि पानी निकलने में परेशानी है, रोड में हमेशा पानी लग जाता है, लोग परेशान हैं, कीचड़ में हमेशा डोल चलते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके बेचारे इस रोड से क्रॉस करके दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। बहुत लोगों को खुशी थी कि तमाम लोग खुश हुए थे कि आपका गाँव जो है आदर्श ग्राम बन गया है, बहुत कुछ इसमें बन जाएगा, लेकिन हमारे गाँव में कुछ भी नहीं काम हुआ आज तक। मतलब लोग सब इंतजारे कर रहे हैं लेकिन आज तक कुछ काम, कोई काम ही नहीं हुआ, ना तो लाइट है, ना पानी की कोई व्यवस्था। लोग बता रहे थे कि यहाँ टंकी बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, तमाम चीज़ें सुनने में आ रहा था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ, ना कोई आया यहाँ कि कुछ बने या कुछ हुआ हो। फिलहाल सांसद केपी सिंह 2 जुलाई को जौनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके चलते अपने गोद लिए गाँव बुधुपुर के विकास के बारे में कुछ भी कहने का समय नहीं मिल रहा उन्हें, और समय होता भी तो क्या कह लेते वो। वैसे एक बात तो तय है कि अगर पार्टी के आला अधिकारी खुश रहें तो फिर क्षेत्र में विकास करने की जरूरत ही क्या है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 2 साल बीत जाने के बाद बुधुपुर गांव में विकास तो दिखाई देने लगता, लेकिन सच बात तो यह है कि शीर्ष से लेकर शून्य तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आदर्श गाँव के तहत चयनित ग्राम बुधुपुर आज भी विकास से काफी दूर है। 2 साल पूर्व जौनपुर सांसद डॉक्टर केपी सिंह ने जब इस गांव को गोद लिया था तो लोगों के अंदर खुशी का माहौल था और लोगों ने सोचा था कि शायद अब मूलभूत सुविधाएं उनको मिलने लगेगी, लेकिन हालत आज भी बद से बदतर है। नेशनल वॉइस के लिए जौनपुर से मिराज अहमद। अब उस गांव का हाल जहां वादों और दावों की झड़ी लगी थी। ताजनगरी आगरा में सांसद ने जब गांव गोद लिया था तो गांव वालों की उम्मीदें भी परवान चढ़नी ही थी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज गांव वाले ना उम्मीद हैं, उन्हें सांसद से कोई उम्मीद नहीं, ना विकास कराने की और ना ही गांव में आने की। देश में भाजपा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शहर के विकास के साथ साथ गांव के विकास की भी सोची और आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र से एक एक गांव गोद लेकर उसमें विकास कार्य करने को कहा था और उसको आदर्श ग्राम बनाने को भी कहा था। अब ऐसे में आगरा से फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल ने भी पुसैता गाँव को गोद लिया, लेकिन आगरा से फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल ने प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना पर पलीता लगा दिया है। आगरा के राजस्थान बॉर्डर पर स्थित पुसेता गांव सांसद चौधरी बाबूलाल पिछले 2 साल से यहां कोई विकास कार्य नहीं करा पाए हैं। गांव के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है, कोई विकास नहीं हुआ, गली खरंजे जैसे हैं, बद स्थितियों वैसे पड़े हुए हैं, अस्पताल की स्थिति खराब है, दैनिक स्थिति है, गांव में घुसते जो है गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में, रास्ता जो जर्जर, सड़क जर्जर, बिजली के तार जर्जर, पानी भरा हुआ है, गंदी गालम है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव में बिजली की व्यवस्था बदहाल है, गरीबों को अब तक नहीं मिले हैं पक्के मकान, स्कूलों में सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है, गांव में अब तक नहीं खुले बैंक और डाकघर। जब गांव गोद लिया गया था तो गांव के लोगों को कुछ उम्मीदें जगी थी कि शायद अब उनके गांव में विकास हो जाएगा और उनका गांव आदर्श गांव बन जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद इन 2 सालों में टूट गई। गांव में ना सही नाली है, ना खड़ंजा,
न पीने का सही पानी उपलब्ध है, न बिजली है, न शिक्षा और न ही चिकित्सा। किसी भी चीज की गांव में कोई उचित व्यवस्था नहीं, लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। गोद ले लिए, नाम हो गया कि गोद ले लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। आए थे बस देख के चले गए, कुछ नहीं, उसके बाद कभी आई ही नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सांसद चौधरी बाबूलाल ने दीवारों पर आदर्श ग्राम जरूर लिखवा दिया है, लेकिन ना तो गांव का विकास हुआ और ना ही सांसद गांव में नजर आए। नए बने ग्राम प्रधान सांसद चौधरी बाबूलाल से गांव के विकास के लिए मिलने भी गए थे, लेकिन पैसा कम होने की बात कहकर सांसद महोदय ने प्रधान जी को टाल दिया। अब कैसे होगा इस गांव का विकास, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सांसद ही कह रहा है पैसे नहीं है, तो फिर गांव में सुविधाएं कैसे आएंगी, संसाधन कैसे जुटेंगे और कुल मिलाकर गांव वालों तक विकास कैसे पहुंचेगा? कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही ना आते, शिक्षा की क्या स्थिति है? कच्चू नहीं, बिल्कुल एक पैसा भर कच्चू नहीं, देखा बालक हॉस्पिटल बना हुआ, भैंसिया बन रही है और क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में गांव गोद लेकर उसका विकास कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कैसे पार्टी के ही सांसद अपने प्रधानमंत्री के इस अभियान की हवा निकालने पर तुले हुए हैं, इसकी वानगी यहां देखने को मिल जाती है। ताजनगरी आगरा में खेरागार तहसील के पुसैता गाँव में सांसद जी 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ठेले भर का गाँव में विकास नहीं करा पाए हैं, फिर ग्रामीण कैसे कहे कि अच्छे दिन आएंगे या फिर आ गए हैं? कछु ना भैया, भैया ना उठाई, अच्छा कोई काम नहीं हुआ है? कोई नहीं। कैसी स्थिति है गांव की अगर देखा जाए? अतिया तैसी है ये, और बहुत ज्यादा गंदा है रही है, और गरीबों ने कहा तो बिल्कुल कोई सुविधा ही ना आते, पानी नहीं कहा तो मन्ना भजना पर रहो है। विकास कार्य नहीं होने की बाबत सांसद बाबूलाल चौधरी से जब पूछा गया तो सांसद जी बगले झांकने लगे और फिर जैसे तैसे कहा कि बिना पैसे कैसे विकास कार्य होगा। खुद की किरकिरी होने से बचाने के लिए सांसद ने प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी को ढाल बनाते हुए कहा कि गांव के विकास के लिए दिया गया पैसा सरकारी मशीनरी कहीं और खर्च कर रही है। फिर हमने सांसद निधि से गांव के विकास कराने के बारे में पूछा तो सांसद जी ने कहा कि सांसद निधि के पैसे से किसी भी सांसद को किसी भी गाँव का विकास नहीं कराना है। इस तरह के निर्देश फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी सांसदों को दे रखे हैं। अब 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। गांव वालों को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, और सांसद जी की बातों से भी ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में भी खास कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, अब बिना पैसे विकास कैसे होगा? विकास तो पैसे से होगा ना, जब पैसा गवर्नमेंट नहीं लगा रही है तो हमका अपनी तरफ से पैसा नहीं, सांसद निधि से हमने कोई विकास नहीं कराया वहाँ पे, गवर्नमेंट के उसमें भारत सरकार के निर्देश थे, गवर्नमेंट उसमें विकास कराया, सांसद के किसी भी सांसद को कोई ये निर्देश नहीं थे, सांसद निधि से पैसा लगाया उसमें। अब कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक सांसद अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकारों पर थोपते रहेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ गांव में विकास होते देखा है सांसद निधि के पैसों से ही होते देखा है, और उनके कार्य को देखकर आज सांसद बाबूलाल चौधरी की ये बात हजम नहीं होती कि सांसद निधि से विकास कराने के लिए केंद्र सरकार ने मना किया हुआ है। खैर, बात जो भी हो, लेकिन गाँव वालों की उम्मीदें टूटी है और आने वाले समय में भी इस गाँव का भविष्य उजागर होता तो नहीं दिखता, और ये सच्चाई है आगरा के पुसैता गांव की। सज्जन सागर, आगरा, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ खास पेशकश सांसद ने गोद लिया, सूद कौन लेगा में फिलहाल इतना ही, कल फिर कराएंगे आपको कुछ और आदर्श गांवों की हकीकत से रूबरू। बाकी खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद।